तो हाय गैस, आज मैं आपको सिखाऊंगा साबन के लिए फोटो रिकॉर्डिंग। इस टाइप की फोटो रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साबन के लिए है, टोटल है। आप अगर महादेव शिव की भक्त हो तो ये फोटो रिकॉर्डिंग को जरूर बना सकते हो। और ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट की फोटो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चले इस ब्लेंडर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गए, सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप पर ओपन करना है। ये बैकग्राउंड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी आपको यहाँ पर पिक्सार्ट ऐप पर ये बैकग्राउंड को ओपन करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल्स पर क्लिक करना है। तो ये रहा टूल्स का ऑप्शन, सिंपल आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर रिसाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले से ही रिसाइज कर चुकी हूँ। अभी ऐसा आपको यहाँ पर सेफ्टी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करना है। तो सिंपल आपको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है और कैसे आपको अमाउंट को राइट तरफ आपको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट को थोड़ा डाउन करना है, थोड़ा नहीं, यहाँ पर डाउन करके आपको 4 के आसपास रखना है। और यहाँ पर मैं 4 रख के यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड तो अच्छी तरीके से ब्लर हो चुकी है। अभी कैसे हमें एडिटिंग को स्टार्ट करना है मॉडल को ऐड करके। तो मॉडल को कहाँ पर ऐड करना है, आपको ड्रॉ टूल पर ऐड करना है। तो ड्रॉ टूल पर बहुत ही अच्छी तरह से HD तरीके से एडिटिंग होता है और रिम लाइट क्रिएट करने में बहुत ही आसानी होता है। सो वैसे अभी आपको कहना है, इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल मिलेगा, इस तरह से स्वाइप करें और चले जाना आपको ड्रॉ टूल पर। तो ये रहा ड्रॉ टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है एंड कैसे आपको ड्रॉ को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन हो जाना है। तो वैसे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट इधर आपको ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर क्या है अपनी पिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो वैसे पोज कैसे देना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको तपस्या पोज देना है। तो इस स्टेप्स की पोज दे करके आपको फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर मॉडल की जो बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर दिया हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आता तो ये ट्यूटोरियल को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप इजीली देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हो कैसे आप यहाँ पर हेयर की एजेस को भी कैसे इरेज करना है, मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, जाकर देख लेना है ये ट्यूटोरियल को। तो अभी आपको क्या है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर रेत के ऊपर आपको इस तरह से बैठा लेना है मॉडल को। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से बिठा देता हूँ। तो वैसे आपको लेफ्ट इधर आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है क्योंकि हमें राइट इधर आपको एक हैंड का PNG, महादेव का हैंड की PNG आपको रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करके अभी आपको साइड पर टाइप करना है, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सो वैसे अभी हमें क्या करना है, रिम लाइट के लिए एक लेयर बनाना पड़ेगा, व्हाइट लेयर। तो वैसे अभी आपको कहना है लेयर पर क्लिक करना है। तो ये रहा लेयर का ऑप्शन, लेफ्ट इधर आपको लेयर मिलेगा, लेयर को ओपन कर लेना है। तो लेयर तो ओपन हो चुकी है। अभी जैसे एक इम्प्लेयर बनाना है, सिंपल आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करें, सॉरी गाइस प्लस आइकन नहीं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी करना है, सॉरी गाइस कॉपी नहीं, यहाँ पर डिलीट करता हूँ ये लेयर को। एक इम्प्लेयर बनाना है, तो इम्प्लेयर बनाने के लिए आपको ये लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके एक इम्प्लेयर बना देना है। तो इम्प्लेयर बनाने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बाल्टी पर क्लिक करके, कलर बाल्टी पर यहाँ पर आपको व्हाइट कलर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ, व्हाइट कलर को फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी करना है और यहाँ पर मॉडल पर क्लिक करके मॉडल की कॉपी ले देना है। तो मॉडल की कॉपी ले देने के बाद यहाँ पर ये मॉडल ऊपर आ जाएगा। तो वैसे अभी आपको क्या है, आपको ये जो कलर बाल्टी की साइड पर नॉर्मल मोड को आपको चेंज कर देना है, आपको XOR कर देना है। XOR करके आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको मर्ज कर देना है और फिर से आपको वही चीज़ करना है, XOR करके फिर से आपको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर मैं XOR करता हूँ और 3 डॉट क्लिक करके आपको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के बाद अभी क्या करना है, आपको ये दोनों जो लेयर को आपको हाइड कर देना है और ये लेयर को आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ये लेयर हमें बाद में काम आएगा। तो ये लेयर को सेव करके रखना है। अभी कैसे आपको क्या है, ये लेयर को डिलीट कर देना है, इस तरह से डिलीट करके ये दोनों लेयर को आपको अनहाइड कर देना है। अनहाइड करके फिर से एक इम्प्लेयर बनना है और इम्प्लेयर बनने करके यहाँ पर आपको क्या है, लेयर को क्लोज कर देना है और कैसे आपको 8 सब्जेक्ट क्लिक करना है। तो ये रहा 8 सब्जेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको 8 सब्जेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आपके साइडो का PNG मिलेगा, वही साइडो PNG को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ये सभी PNG आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले आपको ये साइडो का PNG को ऐड करना है। तो साइडो का PNG को हमें मॉडल को नीचे रखना है रिलीज देने के लिए। तो ये साइडो PNG को आप इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करके। तो यहाँ पर मैं लेयर को पहले नीचे ले जाता हूँ, लेयर पर क्लिक करना है एंड कैसे ये लेयर को मॉडल के लिए नीचे ले जाना है। तो ये साइडो पीछे जा चुकी है, अभी कैसे हमें इस तरह से हल्का सा बड़ा करके आपको एडजस्ट करना है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये साइडो PNG को आपको जरूर एडजस्ट करना है मॉडल के नीचे। तो इस तरह से हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर साइडो PNG एडजस्ट हो चुकी है। अभी कैसे हमें क्या करना है, यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो वैसे आपको इस तरह से डन करके आपको यहाँ पर डिस्कार्ड करके बैक चलना है। बैक जाने दो क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर चलना है। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन। सिंपल आपको ऐड फोटो क्लिक करना है एंड कैसे आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, रुद्राक्ष और जो यहाँ पर माथे पर क्या लगता है वो तिलक, ये दोनों PNG को ऐड कर लेना है। तो आपको ये दोनों PNG को ऐड करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है। सो वैसे अभी आपको रुद्राक्ष PNG आपको एडजस्ट कर लेना है, आपको इस तरह से रख करके यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट करके अभी आपको क्या है, साइडो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको साइडो पर क्लिक करके यहाँ पर साइडो को भी एडजस्टमेंट कर लेना है।
तो पोजीशन पर क्लिक करना है एंड गैस को पोजीशन में आपको 100 रखना है, दोनों को 100 रख के आपको छोड़ देना है। तो इस ऐसे में मैं मेरा 100 रखता हूँ, तो 100 रख करके आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दोनों PNG फिट हो चुकी है। अभी गैस हमें फिर से आपको एड फोटो क्लिक करके यहाँ पर रख के रिम लेयर PNG को ऐड कर लेना है, जो हमने वाइल्ड लेयर को बनाया था यहाँ पर जो ड्रॉ टूल पर, तो वो लेयर को आपको यहाँ पर ऐड करके इस तरह से फुचिंग कर रहे हैं। और गैस को फुचिंग करके यहाँ पर आपको इस तरह से फुचकिन करके आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड आपको इरेज बटन मिलेगा, सिंपल आपको इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्वर्ट लेना है। इन्वर्ट करके रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को 0 रखना है और साइज को थोड़ा साइज को और भी थोड़ा प्लस करके आपको 55 के आसपास रखना है। एंड कैसा वो इस तरह से जूम करके आपको बॉडी की साइड एरिया पर हल्का हल्का साइज से ड्रॉ करके आपको एक वाइड लाइन बनाना है। बहुत ही अच्छा लगा ये रिम लाइट क्रिएट करने के बाद। सो गाइस आपको इस तरह से रिम लाइट क्रिएट करना है, तो यहाँ मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गैस बहुत ही अच्छी तरह से रिम लाइट क्रिएट हो चुकी है। अभी गैस हमें डन करके बैक चलना है। आप चाहते हो यहाँ पर ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं हल्का सा ओपेसिटी को कम करके यहाँ पर मैं 85 के आसपास रख सॉरी गैस यहाँ पर मैं 74 के आसपास रखता हूँ और यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ। मॉडल को भी अच्छी तरह से PNG वगैरह एडजस्ट हो चुकी है। सो गैस अभी आपको फिर से आपको एयरफोर्ट जा करके यहाँ पर महादेव की जो हैंड PNG को आपको ऐड कर लेना है। तो ये PNG भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपल आपको ये PNG को ऐड करके सिंपल आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करके आपको इस तरह से आपको राइट इधर आपको ये PNG को एडजस्ट करना है। और कैसे आपको ये PNG को एडजस्ट करके अभी आपको इसका भी रिम लेयर क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, सिंपल आपको लेयर पर क्लिक करना है। ये लेयर को लेफ्ट आपको लेयर मिलेगा, आपको ये लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डुप्लीकेट बना देना है। तो एक डुप्लीकेट बना देना है, ये डुप्लीकेट को आपको इस लेयर के ऊपर ही आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर क्या करना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। तो ये रहा इफेक्ट्स का ऑप्शन, सिंपल आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर कलर ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को क्लिक करके यहाँ पर पहले आपको ब्लैक कर देना है, 0 करके ब्लैक कर देना है। और कैसे आपको मर्ज पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से आपको नेगेटिव कर लेना है। तो यहाँ पर व्हाइट हो चुकी है। अभी कैसे आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करके आपको इन्वर्ट करना है और फिर से आपको बहुत चीज़ को यहाँ पर फॉलो करना है। आपको हार्डनेस को कम करके आपको उतना ही साइज को रखना है और कैसे आपको इस तरह से जूम करके हल्का हल्का सा इस तरह से रिम लाइट क्रिएट कर देना है। तो बहुत ही अच्छा लगा, हल्का सा ज़्यादा नहीं, आपको हल्का हल्का सा ही आपको रिम लाइट क्रिएट कर देना है। तो बहुत ही अच्छी लग रहा है। अभी कैसे यहाँ पर डन करके यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ओपेसिटी हल्का सा कम कर दूंगा। तो कम करके यहाँ पर मैं रखूँगा 83 के आसपास और यहाँ पर मैं डन करूँगा। और गैस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से सभी PNG फिट हो चुकी है। लेकिन गैस और भी दो PNG एडजस्ट करने हैं। सो गैस आपको फिर से आपको एयरपोर्ट जा करके यहाँ पर जो ये फ्लैश लाइट PNG को आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको हैंड के बीच में आपको ये लाइट PNG को निकलना है। तो कैसे निकलना है, आपको यहाँ पर ब्लेंड मोड को स्किन कर लेना है। तो ब्लेंड मोड को स्किन करके आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करना है। सॉरी गैस यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया था। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है, इरेज पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है। सॉरी गैस इन्वर्ट नहीं, यहाँ पर इरेज की जो अमाउंट हार्डनेस को तो 0 रखने और ओपेसिटी आपको 50 आसपास और इस तरह से जूम करके यहाँ पर आपको इस तरह से हल्का खासा बॉडी के ऊपर हटा देना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हट चुकी है। अभी जैसे हमें डन करके यहाँ पर ओपेसिटी हल्का सा डाउन कर लेना है। तो डाउन आपको कितना रखना है, आपको 60 तो नहीं, यहाँ पर आपको 61 के आसपास रखना है और गैस आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो गैस अभी आपको फिर से आपको एड फोटो जा करके और एक PNG को लास्ट PNG को ऐड करना है। तो कौन सी PNG को ऐड करना है, आपको शैडो PNG को ऐड करना है। तो ये शैडो PNG को आपको ऐड करके सिंपल आपको इस तरह से फुचकिन कर देना है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको फुचकिन करके आपको ओपेसिटी थोड़ा डाउन कर लेना है। तो ओपेसिटी भी यहाँ पर मैं थोड़ा डाउन कर दूंगा, तो डाउन करके यहाँ पर 65 रखूंगा। और गैस आपको डन करके बैक चलें। तो गैस अभी आपको इमेज को सेव कर देना है, उसके बाद लाइट रूम पर इनपुट कर देना है कलर करेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारी पिक लाइट रूम पर ओपन हो चुकी है। सो गैस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से स्वाइप करना है एंड कैसे आपको सबसे पहले आपको कलर आ जाते हैं। तो ये रहा कलर का टूल, सिंपल आपको कलर स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले आपको वाइब्रेंस को इस तरह से प्लस करना है। तो वाइब्रेंस को हल्का सा ही प्लस करना है, तो प्लस आपको 21 रखना है। और कैसे आपको यहाँ पर मिक्स टूल पर क्लिक करना है, तो ये रहा मिक्स टूल, आपको मिक्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, जो पहले कलर की सेचुन का आपको हल्का सा माइनस कर देना है, माइनस आपको 21 रखना है। और सेकंड कलर ल्यूमिनस को भी आपको हल्का सा प्लस करना है ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके, बॉडी भी गोरा हो सकेगा। तो यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर 42 रखूँगा और मेरे सेचुन को इससे माइनस कर दूंगा। सेचुन को माइनस करके यहाँ पर मैं रखूँगा, सेचुन को यहाँ पर 22 रखूँगा। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी की जो कलर एडजस्ट हो चुकी है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी है। सो गाइस अभी आपको ब्लू कलर पर क्लिक करके यहाँ पर क्या है, सेचुन को इस तरह से प्लस कर दें और लुमिनस को भी इस तरह से प्लस कर दें। तो लुमिनस को प्लस करके 46 है। और गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलें, बैक जाने अभी आपको यहाँ पर आप चाहते हो और भी थोड़ा वाइब्रेंस को आपको प्लस कर सकते हो, आप प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर 42 रखूँगा और यहाँ पर टेम्परेचर को इस तरह से माइनस कर दें। टेम्परेचर को माइनस करने पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ गया है तो पिक में। सो गैस अभी आपको टेम्परेचर को माइनस करके आपको 6 करना है। तो वैसे अभी आपको यहाँ पर जो इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पर क्लैरिटी भी हल्का सा प्लस कर सकते हो। तो क्लैरिटी को मैं हल्का सा प्लस करके यहाँ पर 6 रखूँगा
और अभी गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर बिगिन क्वेश्चन से माइनस करना है, बिगिन क्वेश्चन से माइनस करके आपको रखना है 26 और मिड पॉइंट क्वेश्चन से माइनस करना है और फेदर क्वेश्चन से 100 प्लस करना है। सो गाइस अभी आपको यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है और हमें जो कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर देना है, तो प्लस आपको ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पर रखना है 12 के आसपास। और हाईलाइट्स को इससे से प्लस कर दें, हाईलाइट्स को प्लस को आपको 18 रखना है। और गैस आपको यहाँ पर शैडोज़ को भी हल्का सा प्लस कर दें 16 रखना है और यहाँ पर व्हाइट्स को इससे से माइनस करके ब्लैक को हल्का सा प्लस कर दें। सो गैस अभी आपको क्या है, आपको डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस को हल्का सा प्लस कर दें और मास्किंग को भी हल्का सा प्लस कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही एडिटिंग हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले किस वीडियो में।